بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم بہترین وہ جو خود قرآن سیکھے اور The best amongst You are those who learn and teach Quran. Al-Karim. Ama baad fa'audu bil-Lah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahirohmanirohim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Izhan Quran Hub. Alhamdulillah. Today, every letter's guidelines. The rules of letter Lam. देखिए जब हम लाम के लाम की क्योंकि लाम लेटर ऐसा है उसकी तफ़ीम और तरकीब दोनों होती है यानी उससे मोटा भी पढ़ा जाता है कुर भी पढ़ा जाता है बारीक भी पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू तो उसकी कंडीशन के जब हम हैफिल लाम की बात करते हैं सो उसमें अल्लाह सुबहान तआला के नाम के अंदर जो लाम है वो भी आ जाती है इसलिए हम लफ अल्लाह सुबहान तआला के नाम के जो कायदे हैं वो अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इन कायदों की तरफ जाने से पहले पड़े पाक में

आपने बस ये याद रखना अल्लाह सुबह के नाम से पहले अगर जबर यानी आ जाता है तो उस कंडीशन में हम अल्लाह के नाम को सुबह यानी मोटा पढ़ेंगे इसी तरह धम्मा यानी पेश के एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ और उस पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने क्या कायदे नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर अल्लाह सुबहाना नाम से पहले हर पर जबर या पेश यानी फतहा या दम्मा फथा की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी जबर की एग्जाम्पल दे दी अब यहाँ पर पेश यानी दम्मा अगर आ जाए तो अल्लाह अल्लाह तआला के नाम को उस कंडीशन में भी हम पूरी यानी मोटा पढ़ते हैं तो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सोरत वर्ष नंबर वन हंड्रेड एंड सेवनटी वन में है <coughs> <coughs> <tradition> अब यहाँ पर क्या है इन नमल मसीहना अब यहाँ पर अल्लाह तआला का नाम आ गया उससे पहले लेटर लाम है लाम के ऊपर क्या है दम्मा यानी पेश आ गई तो इस कंडीशन में भी अल्लाह सुबहान नाम को हम फुल माउथ के साथ पढ़ेंगे मोटा करके पढ़ेंगे थिकटूर में प्रोनाउंस करेंगे पुर पढ़ेंगे वसूल लफ्स अल्लाह के नाम का दूसरा कायदा यह है कि अगर लफ्स अल्लाह के नाम से पहले हर्फ के नीचे कसता यानी जेर आ जाए तो उस कंडीशन में हम अल्लाह सुबहना के नाम को बारीक यानी पतला पड़ते हैं थे नटोन करते हैं एग्जाम्पल <coughs> इसके मिन कुरानी पाक से वर्ष नंबर सेवेंटी एट में है अब यहां पर क्या है अल्लाह सुबहान नाम है उससे पहले लेटर नून है नून के नीचे क्या है कसरा यानी जेर आ गई सो इस कंडीशन में दिने टू रीड विद एन एम टी माउंट इला बे इज नी Not a, अगर हम यहाँ पर अल्लाह के नाम को तो खिलाफ हो जाएगी तो क्या करना ही, ही। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस कायदे में जैसे आपने ये समझा कि अगर अल्लाह के नाम से पहले जब्बर ये नहीं पता और पेश यानी दमा आ गया तो उस दोनों कंडीशन में हमने पुर पढ़ना है और इस सेकेंड कायदे में हमने ये पढ़ा कि अगर अल्लाह के लफ्स से पहले अल्लाह के नाम से पहले लेटर के नीचे कसरा यानी जेर आ गई तो उस कंडीशन में हमने अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है अब लफ्स अल्लाह के नाम के अलावा अगर हम लाम की बात करते हैं तो लाम को कभी बारीक पढ़ा जाता है कभी मोटा पढ़ा जाता है लेकिन अगर कोई सिंपल लाम होगा तो उसको हमेशा बारीक पढ़ा जाएगा ये बात जहनशीन रखिएगा माइंड में रखिएगा कि हमेशा लाम मुशद जो होता है जिस लाम के ऊपर तशदीद साइन होता है इस तरह का साइन होता है वो लाम हमेशा बारीक पढ़ा जाता है थे टू में प्रनाउंस किया जाता है इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सोय बकर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव में है फर्स्ट वर्स Allah अब यहाँ पर ये यह जो लाम है सिंपल लाम है अल्लाह सुबह तलावा जो लाम होगी और उसके ऊपर तस्दी साइन होगा वो हम हमेशा बारीक पढ़ेंगे इल्ला, इल्ला। गलत हो जाएगा अला और इससे पहले देखें अल्लाह सुबहान तआला का नाम आया उससे पहले लेटर अलिफ है अलिफ के ऊपर ज़बर यानी फतहा है तो इस कंडीशन में अल्लाह सुबहान तआला के नाम को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे जैसे कि हमने कायदा नंबर रूल नंबर फर्स्ट में देखा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु इल्लाहु अब यहाँ पर क्या है इल्ला बोलना है हमने बारीक टोन में पढ़ना है वी शुड हैव टू रीड विद एन एम्प्टी माउथ Allah. हमेशा लाम व शदत बारीक पढ़ते हैं करती हूँ आपको यह लेसन समझाया होगा लाम के रूल्स समझाए होंगे खुद भी कुरान पाक तजवीद के साथ सीखे अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ सिखाएं अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए आमीन जजाक